एक्सक्यूज मी, स्लर्पीज कहाँ रखी हैं? सॉरी, कम ऑन अपू, वो स्लर्पीज। मेरा नाम बलजीत है, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं। तुम यहाँ काम नहीं करते? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर टैक्सी चलाते होगे। अभी मुझे चेक डिपॉजिट करने के लिए बैंक जाना है, मुझे बैंक तक छोड़ दोगे? मैं टैक्सी नहीं चलाता। वैसे आप बैंकिंग ऐप के जरिए चेक डिपॉजिट कर सकती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या? टिपिकल। हम लोग स्लर्पी नहीं रखते। तो ये ही दे दो। तो हम मैक्सिको जा रहे हैं ना? हाँ, मैं तो आज ही टिकट बुक करने वाली थी, लेकिन थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं तो बॉस से एडवांस मांगना पड़ेगा। ये यहाँ? तो मैं कॉफी लेने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। किस्मत वाली हो। Have fun. Thank you. यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का इंतजार कर रहा हूँ, साथ ही अपने कजिन के लिए गिफ्ट भी देख रहा हूँ। वो मेरी तरह ही लंबा चौड़ा है। देखो, इन कपड़ों के साथ छेड़छाड़ मत करो, सब खराब हो जाएगा और मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। अगर तुम्हें किसी का इंतजार ही करना है तो जाकर बाहर करो ना। कहा ना, मुझे गिफ्ट खरीदना है। क्या आपके पास डिजाइनर शर्ट्स हैं? हाँ, पर प्राइस $300 से ऊपर ही होगा। ओ हाय, आप जरा नजर डालिए, मैं आती हूँ। देखो, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। अगर तुम्हें कुछ सस्ता चाहिए तो पास में एक सेकंड हैंड स्टोर है, तुम्हें वही सूट करेगा। मैं अपने कजिन को उसके बर्थडे के लिए सेकंड हैंड कपड़े नहीं देना चाहता। क्या फर्क पड़ता है, वो भी किसी छोटी सी दुकान में काम करता होगा ना तुम्हारी तरह। क्या आप मुझे डिजाइनर शर्ट्स दिखाएंगी प्लीज? ठीक है। बुरा लगा कि आपको ये सब सुनना पड़ा। थैंक्स, लेकिन जिंदगी भर मेरा ऐसे ही लोगों से पाला पड़ा है। एक दिन तो प्लेन में एक लेडी ने। प्लीज मेरे कस्टमर्स को तंग मत करो। थैंक यू। इन्होंने मुझे तंग नहीं किया, दरअसल मैंने ही बात शुरू की थी। जानती हूँ कि आप दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ऐसे लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे किसी और शॉप पे जाना चाहिए। बाय। देखा तुमने, मेरा कस्टमर भगा दिया। ये रही तुम्हारी डिजाइनर शर्ट्स, सबसे सस्ती $350 की है। तुम्हें लगता है इन्हें खरीदने की मेरी औकात नहीं है? अगर तुम अपनी पूरी तनख्वाह एक शर्ट पर उड़ाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। और तुम कभी डिओड्रेंट इस्तेमाल नहीं करते, किसी तबेले से उठकर आए हो क्या? बहुत बदबू है जी। नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये बदबू आप में से आ रही है। क्यों तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? हम दोनों जानते हैं कि शर्ट खरीदना तुम्हारी औकात से बाहर है। क्या ये लार्ज साइज की है? हाँ। बढ़िया, तीनों पैक कर दो। अच्छा मजाक है। ये मजाक नहीं है। लेकिन हम कूपन्स नहीं लेते, पहले ही बता रही हूँ। मैं कूपन इस्तेमाल नहीं करता। तो तुम पेमेंट कैसे करना चाहोगे, क्योंकि हम चुराए हुए क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेते, समझे तुम? तो कैश पे करूँ तो कैसा रहेगा? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? शायद आपको लगता है मैं किसी दुकान में काम करता हूँ या टैक्सी चलाता हूँ। दरअसल मैं एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हूँ इस एरिया का। हाँ हाँ, अगर यकीन नहीं होता तो अपने बॉस से पूछ लो। कैथी। हे स्टेफनी, मिस्टर सिंह, आपको देखकर अच्छा लगा, कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक ही हूँ। एक मिनट, आप इन्हें जानती हैं? हाँ, बलजीत हमारे लैंडलॉर्ड हैं। मतलब ये पूरी बिल्डिंग इनकी है? सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, पूरा प्लाजा, बल्कि और भी ढेर सारी बिल्डिंग्स है ना। आप रुकिए, मैं रेंट लाती हूँ। तो आप मेरे बॉस का इंतजार कर रहे थे? बिंगो। एक मिनट, ये तो धर्मन। ओह माय गॉड, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। ओह थैंक यू। यहाँ से गुजरते हुए तुम पर नजर पड़ी, कैसे हो भाई? बढ़िया, कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही है, मैं तुम्हारे लिए ही बर्थडे गिफ्ट खरीद रहा था। रुको धर्मन, आपके कजन हैं?
और ये किसी दुकान में काम नहीं करता। नहीं, पर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये खरीदने की सोच रहा था, क्या लगता है? बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है। इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी सस्ते स्टोर से खरीदेंगे तो भी चलेगा। चलो, आपकी एक बात तो सच हो गई। ये लीजिए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा, अपनी वाइफ और बच्चों को हेलो कहना। बिल्कुल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। चलो बाहर बात करते हैं। अच्छा आइडिया है। बाय बाय। स्टेफनी, सब कुछ ठीक है? तुम्हारा बर्ताव थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ सब ठीक है। ओके। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे थोड़ा एडवांस मिल जाता मेरी सैलरी में से। वेल, एक्सक्यूज मी, क्या ये आपका स्टोर है? हाँ, आपकी क्या मदद करूँ? मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आपकी सेल्स गर्ल ने पगड़ी वाले आदमी की बहुत बेइज्जती की। क्या? नो। हाँ, सब कुछ मेरे सामने हुआ। यकीन नहीं होता कस्टमर के साथ कोई ऐसा करता है। खैर, मुझे बस इतना ही बताना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। थैंक यू। स्टेफनी, तुमने फिर कस्टमर से बदतमीजी की। आई एम सॉरी, उसे देखकर लगा ही नहीं था कि वो इस बिल्डिंग का मालिक होगा। वाओ, कितनी बार तुम्हें बोला है किसी के कपड़ों से उसकी औकात का अंदाजा लगाना गलत है। जानती हूँ, आई एम सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे एडवांस में पैसा नहीं मिलेगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो सोचना भी नहीं चाहिए। जानती हो, कहने के बावजूद तुम बार बार गलती करती हो, इसलिए मैं तुम्हें निकाल। क्या? नहीं, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ट्रिप के लिए पैसे चाहिए, प्लीज। ये तो तुम्हें कस्टमर से बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं ही सब संभालूंगी, तुम जा सकती हो। तो मिल गया तुम्हें एडवांस? मुझे निकाल दिया, अब मैं नहीं जा सकती। धत तेरी, ये कैसी बदबू है?